सभी को जय हिंद। तो साथियों आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो और फिजिकल की तैयारी कर रहे हो। साथियों आज हम लेके आए हैं जो कि आपके सामने ये थंबनेल है, सिर्फ इसमें ये बताया जाएगा आपको डाइट में क्या लेना है, स्टेमिना कैसे बनाना है, 5 किलोमीटर रनिंग कैसे बनाना है, गर्ल्स 24 मीटर रनिंग कैसे बनाए, सब कुछ इस वीडियो में है। तो गर्ल्स और बॉयज दोनों लोगों को वीडियो में बने रहना है, क्योंकि आपको पता है हमारे एकेडमी में बहुत सारे लड़के हैं जो कि तैयारी भी कर रहे हैं एकदम बढ़िया से, करीब 100 लड़के हो गए हैं यूपी पुलिस के लिए, और उसके बाद गर्ल्स भी 17-18 गर्ल्स है। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो भाई घर पे है, गाँव से है, वो बार बार कॉल करके सिर्फ इसका कहना यही है कि सर मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं रनिंग जब कर रहा हूँ 4 से 5 राउंड जा रहा हूँ थक जा रहा हूँ, मेरा थाई भर जा रहा है, और मुझे डाइट के बारे में बताइए। तो आपको सब कुछ बताऊंगा ब्लैक बोर्ड में, आपको समझा के एकदम बेहतरीन से। आपको अभी तक कोई भी वीडियो नहीं बना रहे होंगे, सिर्फ आइए चले आइए हमारे एकेडमी तैयारी कर लीजिए, पर यहाँ पे डाइट से लेके स्टेमिना से लेके सिम पैन जो भी है हर एक चीज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी खुद प्रिपेयर कर रखा हूँ और अपने पास पूरी डिग्री कंप्लीट है। हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके आपको हम शेयर करते हैं, और जो भी टीचर लोग होते हैं वो पढ़ाई करके ही आपको पढ़ाते हैं, इसलिए जो हमारे पास नॉलेज है आपको एकदम खुलेआम, क्योंकि आपको प्रयागराज फिजिकल एकेडमी आना है और यहीं से सिलेक्शन लेना है। अगर घर पे भी है तो हमको फॉलो करिए, जो भी हम बताएं फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। चलते हैं थंबनेल की ओर, जो भी थंबनेल में मैंने लिखा हूँ उसके बारे में बताता हूँ। तो जैसे साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस 4800 मीटर 45 दिन में कैसे बनाए, जो हमारे यहाँ वर्कआउट होता है ना सेम वही चीज आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि 45 दिन मैंने लिख तो दिया हूँ, तो उसको हमारे एकेडमी में लड़के हैं करके पूरा भी करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको सिलेक्शन बहुत सारे सिलेक्शन मिलते रहते हैं। SSC GD गर्ल्स आई थी, उसके बाद अभी अमेठियार का रिजल्ट आया आर्मी का, उसमें भी 7 लड़के हुए थे। इसलिए थंबनेल मैंने गलत नहीं लिखा हूँ, 45 दिन में हम बना के गारंटी के साथ देंगे। तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों जैसे कि आपको 5 किलोमीटर के रनिंग की तैयारी करना है, आज हमारा पहला दिन है, तो आपको किस प्रकार रनिंग करना चाहिए, सबसे पहले आप जाइए 1 से 2 राउंड वार्म अप लगाइए, वार्म अप करने के बाद फुल स्ट्रेचिंग करिए, फिर पहले दिन आपको 5 से 6 राउंड लगाना है, और लगाने के बाद हल्का सा स्ट्रेचिंग करना है जो कि स्ट्रेचिंग की वीडियो डली हुई है, और सिटअप लगाइए और चलाइए, ऐसे ऐसे कंटिन्यू करते करते करीब 15 से 20 दिन आपको 5 राउंड 6 राउंड 7 राउंड 8 राउंड 9 राउंड आपको बस लगाना रहना है, चक्कर आपको लगाते रहना है। ये नहीं देखना है मैं पर राउंड की स्पीड मेरी कितनी जा रही है, आप इतना सोचिए कि मैं आया हूँ रनिंग करने, कितने मिनट तक ग्राउंड में टिके रह रहा हूँ, कितने मिनट तक मैं टिका हूँ, कम से कम 30 मिनट 25 मिनट आप भले 6 ही राउंड लगा रहे हैं, 25 से 30 मिनट आप अपना टाइम देते रहिए, जब आपके पास स्टेमिना हो जाएगा तो आप खुद ही दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हैं 15 से 20 दिन आप ऐसा धीरे धीरे करते रहिए, जब स्टेमिना हो जाएगा अपने आप 6 राउंड लगा रहे हैं ना, अपने आप 7 राउंड 8 राउंड लगा देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे पैर सेट हो जाता है, स्टेमिना आपका बन जाता है। तो आपको इस प्रकार आपको रनिंग की तैयारी करना है धीरे धीरे। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, तो एक ही दिन में आप पूरा पेज नहीं पलट दे रहे हैं, 1-2 पेज ही पलट दे रहे हैं, तो जाइए ग्राउंड में 6-7 राउंड लगाइए, एक ही दिन में मत मारिए 50 राउंड धीरे धीरे। और रनिंग करने से पहले सोच लीजिए रोड में आपको रनिंग नहीं करना है, जितने भी धावक हैं जितने भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं गर्ल्स हो या बॉयज, रोड में रनिंग करना नहीं है, आपको मिट्टी के ट्रैक में रनिंग करना है, जूते आपको अच्छे लेना है, नहीं तो इंजरी हो जाएगी तो परेशान हो जाएगी। स्टेमिना आपको कैसे बनेगा, सिर्फ बनेगा तो दौड़ने से बनेगा, तो दौड़ने के बारे में आपको बता दिया हूँ। जैसे कि आपको पता है 12 चौक 48 होता है, तो 12 राउंड लगाएंगे आप 5 किलोमीटर करने के लिए, पूरा 12 राउंड लगाएंगे तो आपका 4800 मीटर होता है। तो आप धीरे धीरे करके रेंज पकड़िए, 8 राउंड 7 राउंड 6 राउंड 9 राउंड हफ्ते में लगाइए, 10 राउंड 11 राउंड तक लगाइए, 15 दिन जब हो जाए एक ट्रायल दे दीजिए, घड़ी लगा के जितना दम है आपके पास खींचते पहुंच जाइए, पूरी ताकत आपको एक दिन लगा देना है, हफ्ते में पूरे दिन प्रैक्टिस करना है, समझ जाइए हमारा टेस्ट है। तो इस प्रकार आप तैयारी करिए आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 45 दिन में आपका धीरे धीरे कवर हो जाएगा, इसमें ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, मैंने वर्कआउट बनाऊंगा आपको दूंगा, अभी जो मैंने अपनी एकेडमी वर्कआउट बना रहा हूँ वो अभी कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं हुआ, सिर्फ अभी उनको सिर्फ स्टैमिना ही बनाया जा रहा है कि कैसे आपको स्टैमिना बनाना है और कैसे तैयारी करना है। तो ये रहेगा आपको 45 दिन में कैसे, आप डाइट के बारे में बताएंगे, डाइट में आपको क्या खाना चाहिए, बहुत सारे लड़के हैं जो कि परेशान होते हैं सिर्फ डाइट के लिए। तो डाइट में आपको देखिए कभी भी ये गलती मत करें कि सबसे पहले आपको क्या लेना है, चने मूंगफली बादाम ये आपको पर डे खाना है तो खाना है, और शाम को आप भुला दीजिए, सुबह ग्राउंड से आने के बाद आपको खाना है, मुंह हाथ धुलिए
और लीजिए गुड़ लीजिए, गुड़ के साथ आपको ये पूरी डाइट खाना है, पर शाम को फुला दीजिए। और कांटे वाले चने अगर निकाल सकते हो तो निकाल सकते हो, तो उसको करिए। तो आपको डाइट मैंने बता दिया हूँ, मूंगफली बादाम ये ले लीजिए। और जब भी वर्कआउट करने जाइए, ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोल है, एनर्जॉल है, ये सब आपके पानी में रहना चाहिए। आप जब भी रनिंग करते हैं, दो राउंड लगाए थक रहे हैं, एक घूट मार लीजिए, फिर दौड़ते रहिए, फिर दो राउंड लगाए एक घूट मारिए और दौड़ते। तो आपको ये डाइट लेना है शुरुआती में, जब समझ रहे हैं कि आपका नहीं हो पा रहा है मेरे को और डाइट के एडवांस में, तो बहुत सारी डाइट है, चने मूंगफली बादाम ये तो आपको लेना है तो लेना है, सुबह डेली लेना है ग्राउंड के आने के बाद। अभी तक मैंने ये नहीं बताया आपको ग्राउंड से जब यहाँ से जाएंगे तब क्या खाना है। जो आपको जो चना है, चना को पानी लीजिए, एक गिलास जो भी रहता है अच्छे से छान लीजिए, उसको आपको पीना है, पी के ग्राउंड जाइए। अगर आप वहां पे ग्राउंड में जा रहे हैं, आपको पेट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बार बार दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गर्म पानी करना है। गर्म पानी करिए, हल्का सा गुड़ लीजिए और गुड़ और गर्म पानी खाइए, गुड़ और गर्म पानी पी के फ्रेश होइए। फ्रेश होके जाइए, आपको कभी भी ग्राउंड में आप रुकेंगे नहीं, पेट का कोई बहाना ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपका पेट बहुत ही फ्रेश रहेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये दो चीज बता दिया हूँ। और हर एक बंदे को, जितने भी लोग रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपको मौसम्बी का जूस पीना है, दिन में 11 बजे पीना है, आपको दिन में 11 बजे पीना है। और बोलिए जहां पे मौसम्बी का जूस पीने जा रहे हैं, बोलिए कि वहां पे 12 मिनट आए, भले 10 रुपए एडवांस ले ले भाई, रेगुलर ले ले, पर आपको रेगुलर जूस पीना है, बर्फ नहीं डलवाना है। अगर आपका चेस्ट नहीं है, परेशान है, तो आप बनाना जूस ले लीजिए भाई। और बाहर से मार्केट से पीना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं घर पे एकदम देसी डाइट लाइए, बादाम लाइए, बादाम मखाना वगैरह सब कुछ, केला वाला मिक्स करके एकदम पीजिए, शाम को डाल दीजिए, सुबह खा लीजिए, या तो 6 बजे 7 बजे जो भी फुला दीजिए, रात में सोते समय आप खा सकते हैं। ये आपको मैंने डाइट के बारे में बता दिया, और इलेक्ट्रोल के बारे में बता दिया, एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में बताया, सब कुछ आपको बता दिया, सबको आपको फॉलो करना है। मैंने जो दिन रखा हूँ कि दिन में कभी भी 11 बजे आपको मौसम्बी का जूस पीना है तो पीना है, ये आपके डाइट के बारे में मैंने बता दिया। स्टैमिना के बारे में मैंने बताया, स्टैमिना जैसे कि जब तक आप लॉन्ग रनिंग नहीं करेंगे आपके अंदर स्टैमिना नहीं आएगा, तो आपको शुरुआत में लॉन्ग रनिंग में 15-20 दिन करना है। और स्टैमिना के लिए सबसे ज़्यादा लड़के परेशान होते हैं कि मेरा स्टैमिना नहीं है, मैं थक जा रहा हूँ। भाई थकते इसलिए है क्योंकि आप कभी भी आधा घंटा एक घंटा कभी रनिंग करते नहीं हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ उदाहरण, कितना बड़ा बेस्ट मैन है, कितनी देर तक अगर पिच पे रहेगा उतना ही उसका परफॉर्मेंस आएगा। तो आप भी ट्रैक जितनी देर तक रहेंगे उतना अच्छा आपका स्टैमिना आएगा, तो इसीलिए आपको स्टैमिना बनाना है। तो आपको ट्रैक को भूलना नहीं, ट्रैक पे दौड़ते ही रहना है, और दौड़ने से कोई मरता नहीं, कम से कम 45 मिनट 40 मिनट 30 मिनट आप करते रहिए, तो आपका स्टैमिना बहुत ही अच्छा है। डाइट अगर डाइट है तो फाइट है, रेस्ट है तो बेस्ट है। तो डाइट भी लेके चलना है और स्टैमिना भी लेके चलना है। हफ्ते में जैसे कि आपको बहुत ही कमजोर स्टैमिना बना नहीं पा रहे हैं, तो आपको हिल रनिंग करना चाहिए। जैसे कि कोई पुल है, ब्रिज है, ब्रिज में चढ़ना फिर उतरना, जब ऊपर जाएंगे तो 70-65% लगाएंगे, जब नीचे आएंगे 15-20% लगाएंगे, 15-20 मिनट आप करते रहिए, आपकी थाई भी भर जाएगी, एकदम मस्त हो जाओगे, और स्टैमिना आपको बहुत ही अच्छा। तो स्टैमिना के बारे में मैंने बता दिया, ये दो दिन करना है आपको, मंगलवार और शुक्रवार करना है। अपने पास बहुत सारे एक्सरसाइज है जो कि हम करवाते हैं, तो बहुत सारी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेगी प्यागा फिजिकल क्लिनिक चैनल पे। तो आपको स्टैमिना के बारे में मैंने बता दिया, स्टैमिना कैसे बनेगा, जब तक आप पीछे पर रहेंगे अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। तो स्टैमिना के लिए मैंने बताया। अब आती है सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सिम पैन। सिम पैन आपको क्यों होता है, सबसे बड़ी चीज गलती ये करते हैं लोग, तो यही सोचते हैं कि बस मेरे को 5 किलोमीटर दौड़ना है, मैं तो नंगे पांव भी दौड़ जाऊंगा। तो साथियों अगर आपको 5 किलोमीटर की रनिंग बनाना ही है, सिम पैन से बचना है, एक बार आपको पैसा खर्चा करना है, 2-3 हजार की रेंज में एक बढ़िया सा सूज लेना है, और उसके बाद उतरना है और दौड़ना स्टार्ट कर देना है। आप अच्छा सूज ले लीजिए और ट्रैक पर दौड़िए, आपको रोड पर नहीं दौड़ना है तब तो ठीक है। और जब भी आप शुरुआती दौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको यहाँ से जाने के बाद गर्म पानी करना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, और पैर अपना धुलाई रोज यहाँ से ग्राउंड जाने के बाद आपको डेली धुलाई करना है, और सरसों का तेल डेली गर्म करके सोते समय डेली आपको लगाना है, आपका जल्दी सिम पैन नहीं होगा। क्योंकि आप रनिंग करके जा रहे हैं, आपको पूरा पैर पक जा रहा है, थोड़ा सा आप सरसों का तेल लगाएंगे तो पावर आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। और सरसों का तेल देखिए बचपन में भी लोग सरसों तेल से ही मालिश करते, तो आप लोग
मालिश करिए और आराम से करिए। कोई भी भाई सरसों के तेल लगाने के बाद ज्यादा रगड़ेगा नहीं, हल्का से करेगा उसके बाद छोड़ देगा। तो आपको सरसों के तेल से मालिश करना है और सीम पैन आप करनी होगा। और ज्यादा दिक्कत हो रही बर्फ से सेकाई करिए और बहुत सारी टेबलेट जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर ज्यादा परेशान है, दिक्कत हो रही है, मेरे चल नहीं पा रहा हूँ सर, मेरे को दवा की जरूरत है, अगर दवा की जरूरत तो दवा के बारे में आपको बता, तीन चार टेबलेट बताऊंगा। अगर आपको घुटने में दर्द हो रही है इथोफोर्ड ले सकते हैं, इथोफोर्ड ले सकते हो जो कि मैं लिखूंगा नहीं, आप अपने से लिख सकते हो। अगर आपका यहाँ पे दर्द हो रहा है, सिम पैन बहुत ज्यादा हो रहा है, इथोसाइन 90 ले सकते हो, मूवी जोक्स ले सकते हो, और पीठ वगैरह बहुत सारा जैसे फीवर टाइप जैसे हो रहा है, बेब्रोन ले सकते हो। तो बहुत सारी टेबलेट है जो आप यूज कर सकते हो। ज़्यादा हो जा रहा है तो, क्योंकि दवा की आदत आपको नहीं बनाना है, अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तब आप दवा ले सकते हो। ये सब एथलीटों के लिए दवा होती है जो कि लोग यूज करते हैं। यहाँ के लोग बहुत सारे लोग जो कि डरते रहते हैं कि सर मैं नहीं लूँगा, मेरे को साइड इफेक्ट, कुछ भी नहीं होता भाई, पूरा यहाँ स्पोर्ट पूरा दवा के बल से चलता है। जो भी मेडल भी आ रहे हैं ना, ये मत सोचिए कि मेडल जो आ रहे हैं तो दवा उन लोग नहीं खाते, जरूरत पड़ने पे सब लोग दवा खाते हैं। तो आपको भी खाना है तो खा सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि आपको साथ जबरदस्ती करूँ कि आप दवा ही लें, पर आपसे नहीं हो रहा तो ये दवा ले सकते हैं। गर्ल्स और बॉय जिनको भी दिक्कत हो रही है, जो मैंने बता दिया हूँ, अभी एक दिन आएगी वीडियो जो कि ग्राउंड में आएगी, डाइट एकदम प्रूफ के साथ कि क्या हमारे लड़के खाते हैं, आपको क्या खाना चाहिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा। जितने भी गर्ल्स हैं हमारा चैनल फॉलो कर लीजिए, आपको यूपी पुलिस का सफर बहुत बढ़िया सफर ले जाएंगे और वर्दी तक पूरा करने की एकदम दावा करेंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अभी भी आप प्रयागराज फिजिकल एकेडमी आ जाइए, हमारे ग्रुप में दौड़िए, यहाँ सिलेक्शन बहुत बढ़िया हो रहा है, हर दिन कॉल आते हैं, हर दिन सिलेक्शन के हमारे चैनल पर चले जाएंगे। जितनी मेरी उम्र है उससे चार गुना ज्यादा सिलेक्शन हमें दे चुके हैं। अभी हमारी उम्र 23 साल हुई है और 2 साल हो गया है, 2021 मैंने एकेडमी खोला, बहुत सारा सिलेक्शन हो गया है, चैनल भी अपना बहुत ऊपर हो गया है, 9 लाख हो चुके हैं, दूसरा चैनल हो गया 32,000 हो गया, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक, बहुत सारा कुछ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस आप लोग को जुड़ना है और अपने अच्छा करना है अपने भविष्य के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो कंटिन्यू शेयर करें, हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी डाउट है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। जय हिंद।